अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए जिसके बारे में मैं खुद बड़ी परेशानी उठा चुकी हूँ। तो मस्कारा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक गेम चेंजर है, और बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि कौन सा मस्कारा अच्छा है और कौन सा नहीं, कौन सा वर्थ बाइंग है और कौन सा मतलब सिर्फ पैसे की लूट है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। मैंने बहुत सारे मस्कारा यूज़ किए हैं सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे कोई अच्छा मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो जी। तो सबसे पहले है हमारे पास ये मिस रोज़ का मस्कारा। मिस रोज़ वालों ने इतना ऑफ लगा दिया है कि बस, कि इंसान को लगता है कि पता नहीं इनकी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। मैंने इनका मस्कारा लिया था, इनका एक ब्लैक में था और एक वाइट में, तो मैंने इनका ये वाला मस्कारा लिया। आप इसकी एप्लीकेटर चेक कर सकते हैं कि ये किस किस्म का है। लिटरली कि जब आप निकालते हैं अंदर से तो आपको ऐसा फील होता है कि शायद कुछ बाहर ही नहीं निकला, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों की आंखें पलकें मेरी तरह छोटी हैं तो वो लोग चाहते हैं कि बस लगे और वो लैशेस वगैरह वाला काम ना करना पड़े। इसका एप्लीकेटर अच्छा है, लेकिन हमें बेसिकली प्रोडक्ट चाहिए होती है कि वो थोड़ी सी उसके ऊपर आ जाए, लेकिन वो आती तो है, बट ये है कि वो इतनी ज़्यादा मतलब ठीक से नहीं लगता कि आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ड्राई जल्दी हो जाता है। और इसके मतलब और इसकी अगर आप पैसों की बात करें तो पैसे इसके मतलब नॉर्मल ही हैं, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ। हमें जो मस्कारा होता है उसका ये सीन होता है कि मस्कारा थोड़ा सा थिक भी हो और थोड़ा सा मतलब जेट ब्लैक भी हो, क्योंकि अगर वो ब्राउन टाइप या कुछ थोड़ा सा हल्का होगा, ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया था। उसके बाद सेकेंड हमारे पास से ये मैक्स एंड मोर का मस्कारा था। ये मस्कारा मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था और ऑनलाइन मंगवाया था। ये मस्कारे ने तो मेरे इतने पैसे वेस्ट करवाए हैं कि कोई हाल नहीं है। ठीक है, इसने कोई फ़ायदा नहीं दिया मुझे। आप एक दफ़ा इसको लगा के तो आप बस थोड़ा सा मुंह धोएं तो आपकी आंखों के ऊपर से वो जो काला पानी है वो साफ उतर के आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए इस पर पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पैसे का ज़िया है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैक्स एंड मोर का कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन वो जो लाइट एप्लीकेशन चाहते हैं उनको। ये जो ऊपर है वो मैंने मिस रोज़ का मस्कारा लगाया हुआ है, ये नीचे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये नहीं लगता, आप इसको जितना मर्ज़ी वो कर लें, बहुत बहुत लाइट और ग्रे ग्रे सा शेड आता है इसका, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मैक्स एंड मोर का। और अगर आप फिर भी इसके ऊपर पैसे लगाना चाहते हैं तो लगाएं मेरी बहन, आपके पास ज़्यादा हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं रिवाज वालों का जो ये मस्कारा है वॉल्यूम एक्सप्रेस। ये मस्कारा वाकई ही अच्छा है, मतलब ये नहीं है कि ये बस पैसे का ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, रिवाज वालों की प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, इसका बस थोड़ा सा मसला मुझे ये आया था कि इसका जो एप्लीकेटर था वो थोड़ा सा थिन था, कि मतलब थोड़ा सा लगाने में मसला है। अगर आप इसको थोड़ी सी मेहनत के साथ लगा लें तो ये मस्कारा अच्छा है, इस पर पैसे लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए जी, ये लैश सेंसेशन वालों का मस्कारा है, और जब मैंने ये लिया था तो ये था 1650 का, जो कि राउंड अबाउट मतलब हमारी पॉकेट मनी से तो बाहर ही था। बट मैंने ये सोच के ले लिया कि यार शायद कोई ऐसा हो कि जो मुझे सूट कर जाए, अच्छा लगे मुझे। और बास दफ़ा हम ऐसे सोचते हैं कि चीज़ महंगी है तो बस ठीक है, सस्ती चीज़ भी वैसी होती है, लेकिन फ़र्क जो है वो होता है। इस मस्कारे को लगाने के बाद आपका दिल खुश हो जाता है, बल्कि बाग बाग हो जाता है। ठीक है, ये मस्कारा इन सबसे, बल्कि मैंने अब तक जितने भी किए हैं, मैंने रिवाज वालों का जो वाइट सेशन है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये हर हवाले से अच्छा है, एप्लीकेटर अच्छा है। आराम से लगा के अगर आप दो दफ़ा एप्लीकेशन कर लेते हैं तो बहुत आउट क्लास हो जाता है। ये मैं आपको अपनी थोड़ी सी कलेक्शन दिखा रही थी। मुझे मतलब बहुत शौक है मेकअप इकट्ठा करने का। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। दवाओं में याद रखिएगा, अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।